नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, जैसा कि आज पीएनपी सचिव से एक कॉल रिकॉर्डिंग प्रत्युष ने भेजी मुझे, यह केवल इसलिए आपको सुनाई जा रही है, सचिव अपनी बात पर अडिग हैं, तो मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि क्या व्यक्ति अडिग रह सकता है आपके संख्या बल के आगे। क्या आप सभी यदि संघर्ष में आएंगे तो सचिव को अपने बयान से हटना पड़ेगा और आप सभी को सफलता जरूर मिलेगी। तो साथियों, आज यह लाइव रिकॉर्डिंग लगाई जा रही है। यदि आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव धरने को देखने के लिए चैनल से जुड़िए और आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब आप कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, प्रणाम। नमस्कार सर। ये कह रहे थे कि मैं डीएलएस थर्ड सेमेस्टर जो सेकंड सेमेस्टर बैक का सचिव को पास कर रहा हूँ। तो सर, एग्जाम कब तक होगा? जब परीक्षा का परिणाम जारी होगा तब आपको पता लग जाएगा। अरे नहीं सर, जैसे हम लोग सेकंड वाला हम लोगों का हो गया, जो डेट अभी आप दिए थे फरवरी में उस पर एग्जाम हो नहीं पाया। तो अब नेक्स्ट डेट कब तक आएगी आप बता दो, कौन सी डेट हम घोषित कर दे, कब आप ही बताओ। आप लोग परीक्षा कब ले ली जाए? नहीं सर, हम क्यों बताएंगे, आप बताएंगे। नहीं, आप लोग तो यार इस तरीके से पूछते हो कि ऐसा लग रहा है आपको भूल चुके हैं। आज सर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी भी अपनी जो है डेट शीट जारी कर दी। अभी आप कहेंगे कि यूपी बोर्ड हो रहा है, फिर यूनिवर्सिटियां अपनी जो है परीक्षा करवा रही है, उसके बाद हम करेंगे। हमारा 2 साल का डीएलएड जो है 4 साल में करवा रहे हैं आप। तो किसने आपसे कहा था कि आप फेल हो जाओ? अरे हम थोड़ा कह रहे हैं हम फेल हो रहे हैं। अगर सर देखिए, जो हमारा 2018-2019 बैच कंप्लीट हो चुका है, बैक पेपर जो है हम, आप जो फेल हो तब बैक पेपर दे रहे हो, क्यों देते बैक पेपर है? अरे सर, फेल होने की बात नहीं है सर, पहले फेल एक नंबर से कोई फेल थोड़ा होता है। क्यों एक नंबर से बहुत कुछ हो जाता है, एक नंबर से क्रेडिट कहाँ से चली जाती है? अगर आप काफी सही से चेक करवाते तो हम लोग फेल कभी भी नहीं हो सकते हैं। हम लोग टेट सुपर टेट से पास हो गए, सीटेट पास हो गए, डीएलएड फेल हो गए, बताइए कैसे कैसे हो सकता है? अब कैसे फेल हो गए थे तो हम भी नहीं जानते भाई, कैसे फेल हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं है, परीक्षा होगी, डेट घोषित होगी, आपको पता लग जाएगा। साथियों, जैसा कि सचिव जी ने बहुत ही गलत उत्तर दिया है, तो मैं हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन करता हूं। हमारे सभी बैक पास साथियों की तरफ से एक धरना रखा गया है, 14 मार्च पीएनपी प्रयागराज। जरूर आइए, हाथ जोड़ के निवेदन है। यदि आपको अपना भविष्य बचाना है, यदि आपको आगामी शिक्षक भर्ती में बैठना है, तो घर से जरूर निकलिए। यह वीडियो हर एक ग्रुप, हर एक व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरे भाई बहन आएँ, जिस जिले से आप आ रहे हैं अपनी सूची बनवाएं, कमेंट बॉक्स करीब में कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।